कुल्लू क्षेत्र में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और इससे सभी नदी नाले उफान पर हैं। पूरा मामला लोरमी के सामने आया है, जहां पर मनियारी नदी के किनारे बसे दर्जन भर घरों में पानी घुस गया है और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। बता दें, खुड़िया जलाशय का वेस्ट वेयर 2 से 3 फीट झरने के ऊपर से चल रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यहाँ कई लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मनियारी नदी भी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते मनियारी नदी का तेजी के साथ जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन द्वारा नदी किनारे रहने वाले घरों को खाली तो करा दिया गया है, लेकिन यहां पर कोई उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। बारिश के बाद बहुत परेशानी हो रही है। कल से हम लोग कुछ खाना वाना बनाया नहीं है, प्रशासन के तरफ से भी कोई खाने की व्यवस्था नहीं है और खाली करने के लिए बोले थे तो हम लोग खाली कर दिए। दूसरे जगह ऊपर में आश्रित हैं और घर का बाद जाके स्थिति देख लीजिए, सब पानी में, मतलब बर्तन वर्तन सब उखला। लोरमी क्षेत्र में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से बरसात के बाद लोग बेघर हो गए हैं और बाहर रहने को मजबूर। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से पूरी परेशानी हो रही है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, कल से बारिश की वजह से हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। बहुत सामान टूटा फूटा है, बर्तन और सामान निकाल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से सब सामान खराब हो गया है। और हम लोग को प्रशासन से उम्मीद है कि कम से कम आवाज बना के दे दे। हर साल यही मतलब परेशानी होती है। बताएंगे कि राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनका किस तरीके से आश्वासन, किस तरीके से सुझाव आश्वासन लेके गए हैं कि मतलब क्षतिपूर्ति का कुछ दे। तो कल से आप लोग बेघर हैं, क्या हाँ, खाने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, घर में हम लोग कुछ बनाए भी नहीं है और दूसरी जगह में मतलब आश्रित हैं। तो कितने परिवार के लोग होंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ के 10-12 घर के। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम आवाज चाहते हैं कि आवाज क्षतिपूर्ति जो भी कर सके सरकार की तरफ से मिल जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की वजह से परेशानी, सर्दी खांसी बुखार। मतलब ये कहें जान जोखिम में डालकर आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोगों का तो जो है बच्चे लोगों का सबसे ज्यादा परेशानी, कोई जमीने नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं, उनसे जानना चाहेंगे उन्हें किस तरीके से पूरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बताएं, क्या परेशानी हो रहा है? अरे बहुत परेशानी है भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशानी है बरसात की वजह से, पूजा की वजह। क्या चाहते हैं आप? अरे मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो कुछ मिला जो कुछ दे सकें, योगदान अपन दे सकते। तो ये थे नगर पंचायत के कुछ लोग, जिनका कहना है कि हम लोगों के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री आवास के लिए नगर पंचायत में आवेदन किया गया है, लेकिन आज तक इन्हें सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। कैमरा सहयोगी प्रकाश यादव के साथ संदीप सिठाकुर, स्वराज एक्सप्रेस, लोरमी, मुंगेली जिला।